So are you all excited for this? Yeah. Yes. Yes. Allow me to introduce myself. You already know me. My name is Aman Malhotra, and I've been hosting a lot of these virtual events and physical events for a long time now. I've worked for TV channels like Sony TV, Epic TV, Star TV. This is my fifth event for Fly Homes, so I'm very excited to be doing this event for Fly Homes. As you would know, team building events are really the need of the hour in today's times, because काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो रिमोटली वर्क कर रही हैं, और ऐसे में यू नो बॉन्डिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एंड टीम बिल्डिंग इवेंट्स सॉर्ट ऑफ एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट इन दीज सिचुएशंस. एंड घर बैठे बैठे भी व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एक अपनापन एक बॉन्डिंग सी बन जाती है. यू काइंड ऑफ गेट टू नो ईच अदर थ्रू दीज इवेंट्स. आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू अ रिडल. 1, 2, 3, हियर इज योर रिडल. अ ब्रेसलेट वॉज स्टोलन वाइल द गर्ल वॉज सनबेथिंग. हू डिड इट? You have to give the answer. We can give the answer, will be the captain. अभी तक किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? Another girl. The other girl? Yeah, standing in green. नहीं नहीं. I think the man with glasses. Man with the glasses. Yes. नहीं. नहीं. थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा. The person who has cap on, hat on his head, right? I think the person who has a stick in his hand. Who has a? Like, who has a stick, like, for catching the fish. What is the reason, though, for that? He will be using the bracelet for catching the fish, maybe his. You know, what was your reason for saying that he's the one who stole it? मतलब किस बेसिस पे आपने assess किया ये? That is important. मछली पकड़ने के लिए उसकी जो जो डोर है वो छोटी पड़ रही होगी. नहीं नहीं. So the reason I'll tell you, the answer is correct. The reason is you can see the sand. There are only one set of footsteps. पैरों के निशान है वहाँ पे. Yes. Only one set of footsteps and those belong to the girl. ठीक है? Yes. अभी वो अगर वही चल के गई है तो और तो कोई आया नहीं. अगर कोई और आया होता तो उसके भी पैरों के निशान होते. ठीक है? Exactly. So it is obvious कि जो fisherman है उन्होंने अपने fishing stick का इस्तेमाल करके they have retrieved the bracelet and stolen it. So ये kind of CID activity हो गई है यहाँ पे, detective वाली. By looking at the hints, you have to guess which movie it is. पहली इमेज आ रही है फॉर टीम योगेंद्र. कौन सी मूवी है ये? विच मूवी इज दिस? इज इट रब ने बना दी जोड़ी? यस, द करेक्ट आंसर इज रब ने बना दी जोड़ी. सो 1 point टू टीम योगेंद्र. वेरी वेल डन. नेक्स्ट वाला आ रहा है फॉर टीम शिवम. ओके प्रिंस. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. स्टूडेंट ऑफ द ईयर. वाओ, वेरी वेल डन. विच मूवी इज दिस? इज इट दिल चाहता है? इट इज द करेक्ट आंसर, दिल चाहता है. सो 1 point टू टीम योगेंद्र. 3 points इन टोटल टू टीम योगेंद्र. नाउ टीम शिवम. कोई कोई मिल गया? कोई मिल गया नहीं है. कोई मिल गया नहीं है. तारे जमीन पर? तारे जमीन पर भी नहीं है. कुछ कुछ होता है? कुछ कुछ होता है. है करेक्ट आंसर है. सो टीम शिवम गेट्स 1 point. ठीक है, मूविंग ऑन टू टीम योगेंद्र. ये कौन सा है? थ्री इडियट्स. करेक्ट आंसर. अनदर पॉइंट टू टीम योगेंद्र. वेरी वेल डन. टीम शिवम. गुड न्यूज? गुड न्यूज नहीं, आपके लिए बैड न्यूज है. ये नहीं आंसर. अच्छा, किसको आंसर पता है दूसरी टीम में से? सचिन. सचिन, व्हाट्स द आंसर? इज इट सुल्तान? करेक्ट आंसर, सुल्तान इट इज. एंड अनदर पॉइंट टू टीम योगेंद्र. सो टीम शिवम, यू हैव टू बी केयरफुल. सारे आपके पॉइंट्स जो है वो टीम योगेंद्र ही बटोरते जा रही है. सो टीम शिवम. शादी का लड्डू? शादी का लड्डू ये कौन सी मूवी है? Not sure. ये सबके लाइफ की मूवी. ये लाइफ की मूवी है ये बताओ. ये फिर अच्छी मूवी है
सैड मूवी है हैप्पी मूवी है ये बताओ जैसा लाइफ वैसी मूवी आपकी आप अपनी बात बताओ ना मेरी तो बहुत बढ़िया बढ़िया है चलो सही वेरी गुड चलो मैं हिंट दे देता हूँ ये जिनको दिखाया गया दर्शाया गया वो लड्डू वगैरह बनाती थी मूवी में अंग्रेजी मीडियम नहीं है उससे मिलती जुलती है एक मूवी इंग्लिश इंग्लिश यस करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्लू इज फॉर टीम शिवम दिस इज समथिंग यू राइड बाइसिकल बाइसिकल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्लू फॉर टीम योगेंद्र फास्ट फूड जायंट क्या ना केएफसी बकेट ऑन द लेफ्ट साइड केएफसी बकेट ऑन द लेफ्ट साइड अंडर द ट्री वेरी वेल डन इतना आसान नहीं था स्पॉट करना बट यू डिड इट सो 1 point टू टीम योगेंद्र नाउ टीम शिवम दिस इज हार्ड ऑन द आउटसाइड एंड स्वीट ऑन द इनसाइड कोकोनट नहीं है वाटरमेलन करेक्ट आंसर है कहाँ पे है जरा बताओ On the middle of the screen, on the tree. Yes, absolutely correct. So team Shivam gets 1 point. Team Yogendra, the next clue is for you. A popular meme template. Memes आप देखते होंगे तो उसमें एक बहुत popular template है वो इसमें कहीं है छुपा हुआ. Something under the umbrella. I think ये कौन सी क्या है? The cat. Cat. Correct answer. Absolutely correct. वो एक उदास सी बिल्ली है, sad cat. That meme template. I'll be showing you some memes, and you have to caption it. Okay? So memes आप सब देखते होंगे, popular memes. First meme for team Yogendra. अब इसको आपको caption करना है, और अगर कोई office की situation के हिसाब से you can caption तो even better. जितना अच्छा आपका caption होगा, उतने मैं points दे दूँगा. Project done. मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि प्रोजेक्ट डन प्रोजेक्ट खत्म हो गया ओके ये प्रिंस का आंसर है प्रोजेक्ट खत्म होके एकदम स्टाइल में खड़े हैं भाई साहब ओके और कुछ वेटिंग फॉर द वीक ऑफ्स आफ्टर रेजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ एचआर किसने बोला ये 21 दिन में पैसा डबल आई विल गिव 1 point टू टीम योगेंद्र फॉर दिस उन्होंने काफी सारे कैप्शन बताए 1 point फॉर दिस टीम शिवम दिस इज फॉर यू योगेंद्र सर व्हेन टीम परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट इधर का बॉस इधर का बॉस तो मैं ही है पर्सनलाइज्ड कैप्शन यहाँ पे बताया है वेरी गुड तो इनसे पूछ लेते हैं योगेंद्र जी ये सही है जो इन्होंने कहा है हाँ सर जब टीम परफॉर्म अच्छा करती है सर तब तो लगता है कि बस मैं ही बॉस हूं पर अप्लाई मैं इधर का तो मालिक नहीं है अपुन को लगता है अपुन ही भगवान है ओके बहुत अच्छा था ये 2 points फॉर दिस बिकॉज बहुत मजेदार था ये 2 points फॉर दिस टीम योगेंद्र इट्स मी ऑन एस्केलेशंस You during escalation. Yeah, it's me. एक क्या कर दिया? हाँ, टीम कुछ गलत करती है ना तो US से client side से escalations आते हैं तो फिर मैं इसी तरह लोगों को देखता हूँ सर बट ये ऐसे वो escalations पे नहीं वो बेहुदे वाले escalations पे जहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए हाँ जहाँ पे मतलब जो गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी वो घटिया एस्केलेशन था मुझे ऐसे देखना पड़ता था फिर से वही गलती ऐसे एक्सप्रेशन से ही सामने वाले को पता चल जाता है कि कुछ ऐसी गलती हुई है कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी जरा फिर एक बार बना भी दो एक्सप्रेशन देख लेते बनाओ तो सही फिर एक्सप्रेशन कर लो तब बोलो वेरी गुड स्माइल अभी स्माइल हो रहा है अंदर से तो बट एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं गुस्सा ऐसे ही आता है कि जब ये लोग एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए वो माइनर सी मिस्टेक करके ना वहां से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लेके आते हैं चलो ठीक है ये एक्सप्रेशन का अगर फायदा होता है सो क्यों नहीं व्हाई नॉट सो वेरी वेल डन 2 points आई विल गिव फॉर दिस बहुत अच्छा था ये
2 points to team Yogendra. Now team Shivam. Shivam or party? Sorry, I could not hear you. Shivam and party. Shivam during party. हाँ एक और मैं कि अभी रिसेंटली ले ऑफ हुए उसके बाद लोगों ने इन पर्सन इवेंट या पार्टी के लिए सुना था तो बस यही था कि मतलब एक तरफ ले ऑफ पूरे टेंशन में भी है और आई विल गिव 1 पॉइंट फॉर दिस. इसमें ये दो सिचुएशंस हैं, दोनों का बताना आपको. मतलब फर्स्ट वाला ऐसे ही कोई दोस्त है वो मतलब ऐसे ही टेंशन वाली बातें कर रहा है यार करियर में क्या होगा लाइफ में क्या होगा तो नहीं ये सब फालतू बातें नहीं. और दूसरे में कि कहीं बाहर पार्टी करने चलते हैं. ये ठीक है. For me this situation is like when your father asks salary आ गई. नहीं नहीं कोई मतलब ही नहीं है सैलरी का. And the second thing is when salary got credit in my account. आज तो अपन बहुत है. आज अपन अंबानी अदानी. आज तो आज. फिर जैसे 20 तारीख 25 तारीख आते आते क्या हो जाते हैं? 15 मई. बदनामी. बदनामी बोला आपने. मैंने कहा 15 में ही हो जाता है, बीच में भी नहीं पहुंचता. 15 में ऐसे मुझे सुनाई दिया बदनामी. अच्छा ओके 15 में ही हालत टाइट हो जाती है, ये शिवम का कहना है. ओके सो नेक्स्ट वन इज फॉर टीम शिवम. ये भी दो सिचुएशन है, पहले वाले में एकदम खुश और दूसरे वाले में डिसअपॉइंटेड. ओके सो इसमें ये मैं आपको एक हिंट देता हूँ. ये ना क्रिकेट में ज्यादातर दीज मीम्स आर यूज्ड. इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर कोई बैटिंग अपने किसी की टीम बैटिंग कर रही है सो फैंस वाइल द टीम इज 100 फॉर नो लॉस, 100 पे जीरो विकेट्स, और फिर 10 मिनट बाद 110 पे दो तीन विकेट गिर गई तो फिर ये रिएक्शन होता है नीचे वाला. तो उसमें ये यूज होता है ज्यादातर उस हिसाब से. ये तब भी होता है जब आपका इंक्रीमेंट होने वाला है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा अच्छा पैसा बढ़े. हाँ आप उस हिसाब से मीटिंग ज्वाइन करते हो कि ये आज बढ़ जाएगा, बाद में आता है चिल्लर पकड़ा दिया चलो. We are expecting more than 10% but the management provides them just like 4-5 to 3%. 4-5% तब ये रिएक्ट. बहुत बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर. और कोई आंसर? लॉग आउट टाइम होने वाला है. कुछ आ जाए और उसमें फिर टाइम भी ज्यादा लग जाए, एक डेढ़ घंटा लग जाए तो फिर वो रिएक्ट. कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं मतलब टीम से बोल देता हूँ किसी भी बंदे को बोल के ये वाली रिपोर्ट मुझे जरूरत देना, लास्ट मोमेंट में बोलता हूँ कि कोई मेरे से ऊपर मुझे वो रिपोर्ट मांगी जाती है 225 पे मांगी जाती है, मैं इनसे कहता हूँ मुझे तैयार हो क्यों तो अब इनको एक घंटा लग जाता है, मैं भी बैठा हूँ ये बैठे. मतलब जैसे लॉग आउट करने का टाइम पास आ रहा होता होगा तो 2:30 PM को लॉग आउट करने का टाइम आ रहा है, 2:15 हुए, 2:15 हुए तो आपको तभी से लंच के ख्याल आने लगते होंगे कि आज तो भाई बिरयानी खाऊंगा मैं, आज तो मैं पनीर खाऊंगा. और जैसे ही 2:30 हुए कुछ और काम आ गया और वो फिर 4 बज गए और तब तक फिर भूख भी मर गई. स्पेशली व्हेन आपने अपने दोस्तों को बोल रखा हो कि बस 2:30 बजे फ्री हो रहा हूँ आ जाओ. हाँ और वो आ जाते होंगे और फिर वो बैठ के चेहरा ताकते होंगे और आप काम कर रहे हो. हाँ 2:30 तो फिर वो परेशान भी करते होंगे ना, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं कि आप काम कर रहे हो फिर काम नहीं करने देते होंगे. 2:25 पे मुझे पिक कर लेना बाहर से, बस गाड़ी में हॉर्न दे देना मैं आ जाऊंगा नीचे और 2:25 पे काम है 1 घंटे का. बहुत ही जबरदस्त आंसर. इसके लिए आई विल गिव 2 पॉइंट्स टू टीम शिवम. नेक्स्ट वन इज आप सबकी फेवरेट अंताक्षरी. इसमें मैं क्लूज दूंगा और आपको आंसर्स बताने हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लू एंड सिंग इट, यू विल बी गेटिंग 5 पॉइंट्स. फर्स्ट वन फॉर टीम योगेंद्र, आमिर खान फादर्स डिजायर फॉर हिज फ्यूचर. पापा कहते थे बेटा नाम पे. गेस तो कर लिया आप, चलो सब लोग गाएंगे. 1 2 3 स्टार्ट. पापा कहते थे नाम करेगा बेटा हमारा काम करेगा, मगर ये तो कोई के मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. नेक्स्ट क्लू कमिंग अप फॉर टीम शिवम.
a famous dance on top of a tree. Chal, chahiye. Okay, yeah, apne guess sahi kar liya. 1, 2, 3, start. My favorite. A forbidden love story of a girl and her bodyguard. एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है मुश्किल तो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। तो अब मुझे मिल जाते हैं 5 पॉइंट इसमें, ठीक है? तो मैंने ले लिया है टीम शिवम के पॉइंट्स इसमें, नहीं जस्ट किडिंग, 5 पॉइंट्स फॉर टीम शिवम। नेक्स्ट वन इज फॉर टीम योगेंद्र। काजोल mesmerizes with her black eye काजल। Correct answer। 1, 2, 3, go। आगे किसी किसी की नजरे ओके, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्लू इज फॉर टीम शिवम। मीना कुमारी एंड राजकुमार लव स्टोरी डजंट नो वे टू स्टार्ट एंड वे टू एंड। अजीब दास्ता है ये। Absolutely correct answer, team Shivam. So let's sing it. 1, 2, 3, go. Ajeeb dasta ye, kahan shuru kahan khatam? Ye manzile hai kaun kaun si? Na tum na woh samajh sake na hum. Very well done. बहुत ही ज्यादा प्यार है दोनों टीम्स के बीच में और सब लोगों के बीच में, तो ये पूरा जो है वो टाई हो चुका है दोनों ने, बट ये दर्शाता है कि you know both the teams have played really well. Everyone is happy just because of you, Aman, you are doing great job. Thank you. Thank you. It's a pleasure. एकदम आपने बात के दिल को सुकून मिलता है when you know we do this events और सबके चेहरे पे मुस्कान आती है, तो एक तरीके का एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कुछ कंटेंट बनाया, मेहनत की उसके ऊपर और फिर उसका रिजल्ट मिला एंड सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, वो सामने दिखता भी है। यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, इन्फ्लुएंसर, सो यस सुपर। इट वाज रियली नाइस। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है करंटली, काफी ज्यादा टेंस थे हम लोग, तो ये मीटअप बहुत सही है, मतलब ये काफी हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए। यस, थोड़ा परेशानी से बाहर आने के लिए, वो कभी तो 3-4 दिन से थोड़ा टाइम हो गया था। So it was really nice. He was nice. Thank you. मैंने एक बार नोटिस भी की कि जब ये इवेंट स्टार्ट किया तो जब शुरुआत में मैंने देखा तो थोड़े बहुत मैंने देखा कि आप लोग थोड़े टेंशन में थे, थोड़े स्ट्रेस थे, बट अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है देख के, और आप भी देख पा रहे होंगे सबको कैमरा पे कि सब थोड़े रिलैक्स हो गए हैं अभी, मसल्स थोड़ी ईज आउट हो गई हैं, इतनी टेंशन नहीं है, इतनी स्टिफनेस नहीं है और चेहरे पे मुस्कान है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो आई एम ग्लैड मुस्कान के लिए थैंक यू। Yes, yes. Thank you so much. Hi, Aman. जो content था आपका काफी अच्छा था, content. Especially Antakshari and Mojam bhai का गाना. So the event was very engaging and mind soothing. So thank you for that and thank you for making all us laugh. Thank you. Yeah, it's a really great event and I really enjoyed it. Thank you. It's really great. अभी must needed required था अपन इतना times वाला चल time चल रहा है. So it's really wonderful, or different types of games and settings, so it's very really great.
Thank you for having me here to host this event. I really enjoy hosting events for you for Fly Homes and also meeting all of you. Event तो हम करते ही हैं साथ में आपसे एक तरीके का अपनापन एक बन चुका है. So thank you. और अभी जैसा कि सबने सुना मौजम बहुत अच्छा गाते हैं तो एक बार गाते जाते मौजम की आवाज में एक गाना हो जाए. ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा. हाँ ये सबको पता है ये चांद सा रोशन चेहरा इज द सॉन्ग. सब लोग गाएंगे साथ में. 1 2 3 स्टार्ट. ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये दिल की नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा करूं उसकी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया. ईद कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे. है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. थैंक यू. मौजूद लड़कियों को प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी आई थिंक सो. गोल्डन वॉइस कहना पड़ेगा और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा गाया था. इट्स वेरी सूदिंग. So, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए. सबने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा गाया. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां फॉर टीम फ्लाई होम्स. थैंक यू सो मच गाइस. इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग दिस इवेंट विद यू वंस अगेन. आई होप दिस इवेंट मेड यू फील रिलैक्स्ड फॉर योर वर्क डे एंड अभी यू आर ऑल सेट ऑल फ्रेश एकदम विद अ स्माइल ऑन योर फेस. सो सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस एंड होप वी मीट सून अगेन एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. Good night, Aman. Thank you so much.